ब्लैकमेलिंग को लेकर जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उस पर एक ही सवाल बहुत लोग पूछते हैं, वो है कि कंप्लेन करने के बाद क्या घर पर पता चल जाएगा, फैमिली को पता चल जाएगा। अब ये जो डर है वो सिर्फ लड़कियों के ही मन में नहीं है, लड़कों के मन में भी है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग आजकल हो रही है दोनों के साथ, लड़कों के साथ सेक्सट्रोशन और लड़कियों के साथ जिन पर वो भरोसा करके अपनी पिक्स देती है एक रिवेंज के लिए, उन्हीं के जो फ्रेंड्स होते हैं वो उन्हें इस्तेमाल करते हैं उस फोटो का। अब दोनों सेम लेवल पे आ जाते हैं जब ब्लैकमेलिंग की बात आती है, क्योंकि बात ऐसी होती है वो किसी से शेयर नहीं कर पाते और अगर कंप्लेन करेंगे तो यही डर के घर में पता चल जाएगा। अब इस बात को हाँ या ना में जवाब देना आसान नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक सिंपल तरीके से समझा पाऊँ। अब इस बात को समझाने के लिए हम कोई लीगल टर्म्स यूज़ नहीं करेंगे, कोई लीगल लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे इस बात को कि इसको समझाने के लिए अब क्या किया है। मैंने तीन कैटेगरीज ली हैं। एक है कि जो 18 साल से कम है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग तीन तरह के लोगों के साथ होती है, एक है जो 18 साल से कम है, दूसरी फीमेल, तीसरे मेल। अब जो 18 साल से कम है वो आ जाते हैं माइनर में, वो बच्चे हैं। अब इसमें ये लड़का या लड़की नहीं है, इसमें दोनों ही हैं, माइनर में लड़का लड़की दोनों है जो 18 साल से कम है। आप जानते भी हैं अगर बच्चों के साथ इस तरह का कोई अश्लील गलत सेक्सुअल हैरेस किया जाए उन्हें, तो ऐसा पॉक्सो एक्ट के अंदर आ जाता है, ये बात आप जानते हैं, और ये एक सीरियस क्राइम है। और जब बात माइनर की आती है तो उसमें गार्जियन या जो पेरेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, क्योंकि ये सीरियस क्राइम है, बात एफआईआर पर जाती है, तो इसलिए इसमें गार्जियन या पेरेंट्स होते हैं। इसलिए अगर कोई 18 साल से कम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगी, अगर आप इस तरह के किसी भी क्राइम से आपके साथ हो रहा है ऐसा कुछ, तो आप डरिए मत, अपने टीचर से बात कीजिए, कोई आपके फेवरेट टीचर जैसे होते हैं या जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, अपने एल्डर सिस्टर एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई बहन से बात कर सकते हैं, तो साथ में एक गार्जियन या पेरेंट्स आपके होने चाहिए। जब 18 साल से कम उम्र के बच्चों की बात आती है उन्हें कंप्लेन करनी होती है। सेकंड में क्या आता है, फीमेल। अब देखिए फीमेल की जब बात करेंगे तो फीमेल के साथ ज़्यादातर ये ब्लैकमेल होती है रिवेंज के तौर पर, उनसे बदला लेने के लिए। तो ऐसे में मैं सबसे पहले यही बात कहना चाहूँगी कि अगर लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है या होता है तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को ये बात ज़रूर बताएं, क्योंकि आप क्या करते हैं कि उस मोमेंट से बचने के लिए कि अभी अभी के लिए मैं इससे बच जाऊँ, बाद की बात में देखेंगे, नहीं, ये एक बहुत दूर तक आपको हार्म कर सकती है ये चीज़। कल आप जॉब में आएंगे, अगर कल आपकी शादी होती है तो ये चीजें आपकी आगे जाकर हालात बस से बदतर हो जाते हैं। अभी तो आप पेरेंट्स के पास हैं, आप संभाल सकते हैं उस सिचुएशन को, हमेशा के लिए सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो अगर आपके मन में डर है तो आप पेरेंट्स से जरूर बात कीजिए, और अगर पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपके सिस्टर हो, ब्रदर हो, बड़े टीचर हो, उनसे हेल्प लीजिए। और जब बात कंप्लेन करने की आएगी कि घर पे ना पता चल जाए, तो मैं यही बात कहूँगी, देखिए हमारे देश के कानून में जो फीमेल है उसको एक राइट दिया गया है, और वो राइट ये है कि उन्हें अपनी स्टेटमेंट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता, पुलिस घर पर आकर उनकी स्टेटमेंट दर्ज कर लेती है अगर उनके साथ कोई क्राइम होता है। ये एक राइट दिया गया है उन्हें, ये एक सुविधा दी गई है उन्हें। अब ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो इस राइट का इस्तेमाल करना चाहती हैं या नहीं चाहती। अगर आप इस राइट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप खुद भी पुलिस स्टेशन जाकर स्टेटमेंट दे सकती हैं, आप रिटर्न में दे सकती हैं, आप मेल कर सकती हैं, ठीक है। कितने सारे हेल्पलाइन नंबर्स चल रहे हैं आजकल, स्पेशली गर्ल्स की सेफ्टी को लेते हुए। अभी अगर मैं बात यूपी की करूँ तो यूपी में वुमेन पावर लाइन 1090 स्पेशल चलाई गई है, जो साइबर क्राइम से ही रिलेटेड है, आप वहाँ पर अपनी बात कह सकते हैं ईजिली, अगर कोई यूपी से है तो, लड़कियों के लिए है ये। अब तो यहाँ पर आपको जो राइट दिया गया है कि आपको पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस आपके घर पर आकर ही स्टेटमेंट लेगी, तो डर और ज़्यादा आपके अंदर बढ़ जाता है कि घर पर आएंगे, आस पड़ोस देखेगा, ये सब है। तो अगर ऐसी बात है तो आप खुद भी अपनी स्टेटमेंट खुद पुलिस के पास जाकर दर्ज करवा सकती हैं, मैंने पहले भी बताया, आप रिटर्न में दे सकती हैं, ईमेल कर सकती हैं,
जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हेल्पलाइन इतनी सारी हैं, तो इस तरीके से। लेकिन इस डर से आप घबराकर कंप्लेन ना करें कि घर पे पता चल जाएगा, तो देखिए आप बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं, क्योंकि आपका रिमोट कंट्रोल ऑलरेडी सामने वाले के पास चला गया है। अब वो इस रिमोट कंट्रोल से आपसे कोई भी गलत काम करवा सकता है, और आप डर के मारे वो काम करते करते एक गलती करने के बजाय आप उससे कहीं ज़्यादा दुगनी बड़ी गलतियाँ करते चले जाते हैं। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई लड़कियों को कि घर पे पता चलेगा या नहीं पता चलेगा। अब जो थर्ड आते हैं वो है मेल। अब जो मेल हैं वो उनका क्या हो रहा है कि वो अननोन नंबर से वीडियो कॉल अटेंड करते हैं और रिकॉर्डिंग उनकी हो जाती है, उनके जो भी वो जिस सिचुएशन में वो होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके बाद में उनको उन्हीं की वीडियो भेज के ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब वो इस डर से कंप्लेन नहीं कर पा रहे कि ऐसी बात अगर घर में पता चली तो बहुत हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, मैं कैसे मतलब घर के बंदों को कैसे फेस करेंगे वो। कई मैरिड भी हैं इसमें जो इस तरह की गलती कर बैठते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं ये लोग, अननोन नंबर की कॉल ऐसे उठाना, या किसी से भी जानकार है चाहे अनजान है, आप इंटरनेट पर इस तरह की हरकत मत कीजिए। तो उसके बाद अब अगर आपके मन में ये डर है कि पुलिस सीधा घर आ जाएगी, तो आप देखिए आप मेल को ये सुविधा नहीं दी गई है, मेल को ये राइट नहीं है कि पुलिस आपके घर आकर आपकी स्टेटमेंट लेगी। मेल को अगर कोई क्राइम हुआ है तो वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपनी स्टेटमेंट लिखवाएंगे। तो आप डरिए मत, घर पर पुलिस नहीं आएगी, आप कंप्लेन कीजिए cybercrime.gov.in पर आप कंप्लेन कीजिए, क्योंकि जिस भी नंबर से या जो भी ब्लैकमेलर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, सेक्सटोर्शन क्राइम कर रहा है, वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं कर रहा, वो पता नहीं उसी टाइम पे कितने और लोगों के साथ, वो एक ही दिन में के साथ ये स्कैम करते हैं। तो आप इस डर से कि घर पे पता चल जाएगा आप कंप्लेन ना करें, तो आप ये बड़ी गलती करते हैं। आप कंप्लेन कीजिए, घर पर पुलिस नहीं आएगी, जो भी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे उस पर आपको कॉल कर दी जाएगी, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, आप वहां पर जो भी पूछताछ करनी होगी या स्टेटमेंट होगी आपको वहीं पर आपसे वो स्टेटमेंट ले ली जाएगी। तो इसलिए आप इस बात से बेचिंत रहिए और कंप्लेन जरूर फाइल कीजिए। देखिए एज एन एडवोकेट मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ, आपको रास्ता बता सकती हूँ कि अगर आपसे गलती हुई है, आप इस मुसीबत में फंस चुके हैं, ये आपके लिए एक बड़ा सबक भी है, और इससे सबक से आप सीख लेकर अगर आप इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपका काम है। और इतना ध्यान रखिए कि घर पर पता चल जाएगा इस एक डर की वजह से आप अपना रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में मत दीजिए। अगर आपको इस सिचुएशन से परमानेंटली निकलना है, स्पेशली जो बॉयज़ हैं जो सेक्सट्रोशन का शिकार हैं, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद ही जा सकते हैं पुलिस स्टेशन, तो उन्हें कंप्लेन ज़रूर करनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो रैकेट्स है, क्योंकि ये अकेला बंदा नहीं करता है काम, ये पूरा रैकेट ही होता है, ताकि वो पकड़े जा सके। तो उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा कि कंप्लेन करने पर घर पर पता चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कंप्लेन ज़रूर फाइल कीजिए।